दोस्तों मिनट कल कमेंट सर बताइए कि हमें मिनिमम कितने जीबी का रैम का मोबाइल लेना चाहिए। तो गाइज मैं इसमें आपको पूरी क्लियर करने वाला हूँ कि क्या चीज़ कितने जीबी का आपको रैम चाहिए तो आपका इस टाइम सस्टेनेबल हो सकता है। तो प्ले स्टोर में चलता हूँ और आपको रीजन दिखाता हूँ। तो गाइज पहले के आप अप्लीकेशन देखेंगे, जब 2 GB रैम आता था, 1 GB रैम आता था, उस टाइम के एप्लीकेशन आप देखते होंगे कि काफ़ी लाइट होता था। लेकिन अभी क्या हो गया गाइज, आप कोई भी देख लो। पहले दोस्तों ये जो नेटफ्लिक्स था वो 12 से 13 MB का था, लेकिन अभी क्या हो गया, इसका जो नेटफ्लिक्स साइज है, जो MB है, बढ़ गया है। तो रैम का मतलब बेसिकली यही होता है गाइज कि अगर आज के ज़माने में अगर आपको रैम लेना है तो गाइज कम से कम 6 GB तो चाहिए चाहिए एटलीस्ट आपके मोबाइल को फास्ट चलने के लिए। अभी आप एक कैनवा देख लीजिए, कैनवा जो है दोस्तों काफ़ी पहले 10 या 12 MB का था, लेकिन अभी 25 MB का है। तो दोस्तों सब सबकी अलग अलग कोडिंग होती है जो कि काफ़ी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पहले दोस्तों आप देख सकते हो जो इसका पुराना ऐप है कितना लाइट है। आपको चलिए मैं अपस्टॉक का दिखा देता हूँ कितना लाइट अप्लीकेशन है गाइज। आप देख सकते हो ये वाला मात्र आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि चलिए 10 से 12 MB का ही है गाइज। तो ये यहाँ पे लगभग 12 MB का आप देख सकते हो दोस्तों। ये अभी न्यू में कैसे हो गया है इनका 40 MB का, आप देख सकते हो कि काइट का दोस्तों ये कुछ 8 MB का एप्लीकेशन है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये यहाँ पे कितने का मात्र यहाँ पे आपका यहाँ पे 300 जिसका भी MB शो नहीं हो रहा है, काफी लाइट एप्लीकेशन है। सो दोस्तों यहाँ पे आप ग्रो का देख सकते हो कि जो अभी अभी क्या हो गया कि एप्लीकेशन हैवी आने लगे हैं, जिससे क्या हो गया रैम मैनेजमेंट बढ़ गया। आप लैपटॉप में भी देख सकते हो कि आजकल 8 GB आ रहा है, मिनिमम 8 GB तो दे रहा है, लेकिन कम क्यों नहीं दे रहा है। कम देने का रीजन है कि आपका जो रैम की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब आप एप्लीकेशन वगैरह ओपन बंद करते हो। तो गाइज मेरा जो है 6 GB है, और प्लस आप देख सकते हो कि वर्चुअल भी आजकल मिल जाता है। तो आप पहले 6 GB रियल रैम लीजिए, वर्चुअल के भरोसे मत बैठिए। वर्चुअल रहेगा तो और आपका मोबाइल फास्ट हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो, इसीलिए बताता हूँ कि रैम अच्छा लो, क्योंकि गाइज ये जो भी बड़े बड़े एप्लीकेशन है ये आपके प्रोसेसर के ऊपर, प्रोसेसर से फास्ट नहीं चलेंगे। जब यहाँ पे आप इसको ऐसे करोगे तब आपको पता लगेगा, जब हैंग होगा तब आपको पता लगेगा वो काश मैं 6 GB रैम लिया रहता। प्रोसेसर से तो मोबाइल फास्ट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जो रैम मैनेजमेंट होता है ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट रोल है, रैम मैनेजमेंट और प्रोसेसर। दोस्तों जहां तक मुझे लगता है, मैंने फील किया, प्रोसेसर थोड़ा कम रहेगा। मान लीजिए गेमिंग वगैरह कर लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों मान लीजिए कि रैम कम है, प्रोसेसर हैवी है, अगर 2 GB रैम है, प्रोसेसर हैवी है, तो आपका मोबाइल स्लो काम कर, मतलब ये जो रैम मैनेजमेंट है ज्यादातर वो हैंग टाइप सा होता है। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा प्रोसेसर लो है, अगर रैम अच्छा है, तो काफी आपका मोबाइल स्मूथ चलता है। तो यही बताना था दोस्तों, बताइए छोटी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।